प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित नौका विहार पाठ के अंतिम पद्यांश को, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सद्विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गत शाश्वत संगम। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है कवि ने नौका विहार के अनुभव का जो है वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, जय ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सद्विचार, जैसे जैसे हमारी नाव जो है दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है उर्मिशील है, वैसे वैसे जो है हमारे हृदय में जो है सैकड़ों विचार, सैकड़ों विचार जो है उठते हैं। और ऐसा लगता है कि इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम। और इस प्रकार लगता है कि ऐसा मानो पड़ता है संसार का क्रम भी जो है इस जल धारा के समान ही है। शाश्वत है गत शाश्वत संगम, जिस प्रकार धारा जो है निरंतर बहती चली जा रही है, आगे बह चुकी जल का स्थान जो है पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का जो है जीवन का बहाव भी निरंतर है, जलधारा के समान ही जो है जीवन का विस्तार शाश्वत है, जीवन का विस्तार शाश्वत है, और जीवन का क्रम जो है जलधारा की तरह जो है कभी ना टूटने वाला है। शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत रसिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, सशमी चंद्रमा और नमिष आकाश। तो कवि पंत जी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार जो है शाश्वत है, और चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी अर्थात चांदनी की भी जो है चिरस्थाई है, लहरों का लघु शाश्वत लघु लहरों का विलास, और लहरों का जो है ऐश्वर्य भी जो है निरंतर बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो कभी आगे कहता है, संसार रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जो है जन्म और मृत्यु का जो शाश्वत कर्म बनाए रखे हैं, जन्म और मृत्यु का जो है शाश्वत कर्म बनाए रखे हैं और जीवन रूपी नौका का विहार जो निरंतर होता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। कभी आगे कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का जो है ये सत्ता का ज्ञान जो है अर्थात सत्ता का ज्ञान मैं भूल गया था, अब जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन का जो यह जीवन की शाश्वतता का जो है शाश्वतता का जो है जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण जो है मुझे अमृत प्रदान करेगा। तो आज के पद्यांश में नौका विहार समाप्त हुआ। अगले पद में लेकर हाजिर होंगे आगे के पद्यांशों को।